रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के संगरौली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र और एक चुनाव से देश मजबूत होगा, जनता अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। खरीद फरोख्त रोकने के यही उपाय हैं। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे कराया जाना चाहिए, इस संबंध में उनकी क्या ओपिनियन है, उनका क्या मत है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। अब देखिए आगे फैसला इसका होगा, क्या होना है। अब इस समय तो उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम लोगों का विचार यह है एक चुनाव एक देश, वन नेशन वन इलेक्शन, यह होना चाहिए। आप लोग सहमत हो जरा तालियां बजाइए, तो मैं मान लू सभी लोग। वेरी गुड। और मैं यह मानता हूं कि यदि एक देश एक चुनाव यदि होता है तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। और यहां की जागरूक जनता भी अपने मतों का प्रयोग ठीक तरीके से कर सकेगी। और बार बार कभी कभी मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जनता को जो तरह तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करती हैं, उनकी जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं, कम से कम यह सिलसिला तो काफी हद तक कम हो जाएगा। खरीद फरोख्त का भी सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसका समाधान यह है। और यह चर्चा यहां पर मैंने इसलिए की क्योंकि अभी 4 ही महीने पहले यहां पर लगभग 20 मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद मैं आज फिर मध्य प्रदेश में आ गया और फिर अगली सभा करने के लिए भी सिंगरौली जाऊंगा, सीधी जाऊंगा। तो बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे बोलते ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहते जिस तरीके से आप लोगों ने तालियां बजाई हैं, अब इससे मैं पूरी तरह से सहमत हो गया कि सारा देश चाहता है इस देश में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 2003 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी लंबे समय तक यहां के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद इस समय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे। और 2003 के पहले का भी मुझे याद है अच्छी तरह, उसके पहले मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मध्य प्रदेश के बारे में लोग कहते थे मध्य प्रदेश बीमारू राज्य। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने लंबे समय तक जिम्मेदारी संभाली है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उन्होंने मध्य प्रदेश को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है।